दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 19 अप्रैल 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:22। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:22 है और मैं आ गया हूँ। राजापुरी की रेड लाइट क्रॉस कर लिए, आकाश हॉस्पिटल भी क्रॉस हो गया है, सर्विस लाइन पर ही हूँ और जा रहा हूँ घर की तरफ। दोस्तों अभी आया था खाली आपका इधर से, क्या कहते हैं आपका, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन लास्ट स्टॉप मैंने किया था। फ्राइडे आ रही थी बट आज फ्राइडे का दिन है, बहुत ज़्यादा जाम लगा पड़ा है द्वारका में ही। दोस्तों द्वारका ये लगा लीजिए दाबड़ी से लेके मधुविहार तक कम से कम 40 मिनट लग गए मेरे को इधर आने में। 40 मिनट का जाम, इतना गंदा वाला, पता नहीं क्या कुछ खराब हुआ है क्या हुआ है, बट क्या है कि पुलिस वाले मैनुअली चला रहे हैं रेड लाइट को, ठीक है। और अब जब मैनुअल चलाते हैं तो आपको पता ही है फिर जाम कहाँ तक, किस हद तक पहुँच जाता है। तो अभी तो मैं फिलहाल इधर से निकल के आया हूँ दाबड़ी वाली साइड से, पालम वाले में क्या हाल हो रहा होगा वो तो जो भाई उधर से निकल रहा होगा उसको ज़्यादा पता होगा, बट आज बहुत ज़्यादा जाम दोस्तों देखने को मिला है। तो फ्राइडे और मंडे तो आपको पता ही जाम होता ही है, पर कई बार ऐसे ऐसे जाम में फंस जाते हैं ना, इसकी कोई हद नहीं है। तो दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे महेश भाई 2-3 दिन गायब थे और कहाँ चले गए थे, तो दोस्तों आपको पता ही है, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। गाड़ी में दिक्कत ये आ रही है कि मतलब बीच में गाड़ी मिसिंग कर रही थी, झटके मारने लग गई थी, प्लग चेंज करवा लिए। प्लग चेंज करवाने के बाद एक कफलर था, उसका कफलर भी मैंने डलवा लिया, तब तक एक दिन चली थी गाड़ी, सही हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से दोस्तों वही प्रॉब्लम मेरे साथ आने लग गई थी। तो परसों मैं सेक्टर 21 मतलब मेट्रो स्टेशन पे था, तो मेरे पास गुड़गांव आया नगर की ट्रिप आ गई थी। तो आया नगर मैंने सोचा मैं ले लेता हूँ, उस पर टोल मेरे को एक तो हरियाणा का स्टेट टैक्स मिल जाएगा, हरियाणा से निकाल के लेके जाएगा ये, और 100 रुपये का टोल भी मिल जाएगा साथ में। तो मैंने कहा 180 रुपये वैसे बता रहा है, चलो 250-300 रुपये इसी राइड में मेरे को मिल जाएंगी। तो बस अब जैसे ही मैंने ट्रिप स्टार्ट करी, स्टार्ट करके मुश्किल से 800-900 मीटर ही गया हूँगा, लेफ्ट सेक्टर 21 से लेफ्ट मुड़ा हूँ मैं, मुड़ते के साथ ही दोस्तों गाड़ी में आ गया साइन सीएनजी का सेटिंग वाला, जिसमें जब सीएनजी ख़त्म हो जाती है वो वाला साइन, और गाड़ी आ गई पेट्रोल पे। तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा यार अब सवारी बैठी हुई है, फिर मैंने मतलब एक बार फ्यूज़ चेक किए मैंने, मैंने कहा फ्यूज़ तो नहीं कोई उड़ गया गाड़ी का, फ्यूज़ भी ओके, फिर मतलब बटन दबाने पे आ रही है सीएनजी पे, और तो सीएनजी पे दोबारा आ गई, दोबारा आके 150-200 मीटर चला, फिर दोबारा वही दिक्कत आ रही। फिर मैंने सवारी को उतार दिया, उनका जी आप अब सवारी भी आप सोचो 126 का बिल बना दोस्तों, 1 रुपया नहीं दिया बंदे ने। मैंने बोला सर आप मुझे तो दे दो, मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। नहीं बेटे मेरे को दिखा रहा अपना अकाउंट का बैलेंस, कहता है ये देखो 350 रुपये पड़े हैं, मुझे घर जाना है, मैं आपको दे दूंगा तो मैं नेक्स्ट कैब में कैसे जाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम उससे ज़्यादा तो लगता है तुम्हें ही को ज़रूरत है, तो तुम ज़्यादा अमीर हो जाओगे कोई नहीं, अपने चले जाओ भाई, मैं समझूंगा मैंने दान में दे दिए किसी को। तो फिर चला गया बंदा, फिर मैंने ऊबर में एक बार कंप्लेंट करी तो मेरे को पूरे के पूरे पैसे ऊबर की तरफ से मिल गए थे, 126 रुपीस मेरे को मिल गए थे। बट 2 लाख होता है दोस्तों, कई बार ऊबर दे भी देता है, कई बार नहीं भी देता, तो ये मतलब किसी किसी के साथ होता है। मेरा क्या है, देखिए मैं कभी रेयर केस होता है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज कोई आती नहीं है, ठीक है। जब आती है तो डाल देता हूँ कंप्लेंट, कंप्लेंट डालने पे कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, तो इस बार किया था तो आ गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो दोस्तों वहाँ से ये लगा लो उस दिन फिर मैं दोबारा अपने सीएनजी वाले के पास गया दाबड़ी में, उसको चेक कराया। सीएनजी वालों का भी इतनी मतलब ये लगा लीजिए आप कहोगे कि ऐसे बोल रहे हैं महेश भाई, हर कोई बंदा अपनी मतलब पैसे बनाने के चक्कर में रहता है। तो दोस्तों मेरी बात मानो, अगर कहीं भी काम किसी भी चीज़ का मैकेनिक से करवा रहे हो, अगर ज़्यादा मोटा काम है तो 2-3 से राय ज़रूर लो उस चीज़ में, क्योंकि होता ही है कि काम कुछ और, कमी कुछ और होती है और काम करने को कुछ और बोल देते हैं। तो मैंने दाबड़ी में दिखाया था, दाबड़ी में बंदा वायरिंग चेक करी, थोड़ी बहुत करी उसने, कहता यार ECM की दिक्कत है इसमें, ECM चेंज होगा, 5000 का रहेगा ECM,
मायापुरी चले जाओ, वहाँ से लगवा लो, ये वो है, चेक करवा लेना। अगर चल भाई कोई नहीं, फिर आप जहाँ मायापुरी में है, मायापुरी में सीएनजी वाला बंदा गांव गया हुआ है, शादी में गया हुआ है, वो नहीं है वहाँ पर, एक ही सीएनजी वाला है, वो मतलब उससे तो बात बनी नहीं, मतलब उसने देखा ही नहीं, तो वो गाँव में था। तो फिर मैं तीसरे के पास आया, द्वारका मोड़ पर किसी ने रेफर किया, द्वारका मोड़ में दिखाया, उस बंदे ने भी देख लिया, वो अलग ही बंदा था, मतलब स्कैनिंग अपने फ़ोन से कर ली, ठीक है, 0P0443 का कुछ आ रहा था, कम्युनिकेशन ईसीएम का ही था। बट देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि ईसीएम ही खराब है, हो सकता है भाई वायरिंग का ही। तो दोस्तों, जो द्वारका मोड पे दिखाया मैंने उस बंदे को, वो ऑटोकट सेंसर की बात कर रहा है, कह रहा है इसका इशू आ रहा है। तो 2200 रुपये का ऑटोकट सेंसर आता है, वो कह रहा है ये आप डलवा लो, इससे हो सकता है आपका ठीक हो जाए। तो मैंने कहा यार, हो सकता है वाली बात मत करो ना, आप देखो कोई बंदा पैसा लगाएगा तो उसकी चीज़ ठीक होनी चाहिए। तो मैं फिर उससे भी मैं हट गया, मैंने कहा यार ये बंदा भी काम का नहीं है। फिर मुझे मेरे घर में, घर के पास में ही एक पड़ोसी है, उन्होंने रेफर किया कि भाई उसके पास चला जा, ओल्ड पालम रोड पे ही बंदा है। तो मैं उसके पास गया, उसको मतलब सुबह सुबह अगले दिन पहुँच गया। देखिए, कल का दिन भी खराब हुआ मेरा, परसों का भी खराब हुआ, और सॉरी परसों का मेरा दिन पूरा खराब हो गया। फिर कल सुबह मैं उसके पास पहुंचा, उसको दिखाया मैंने, दिखाने के बाद उसने छूटते ही बोला भैया कुछ भी कर लो इसमें। और दोस्तों, ईसीएम लगाकर भी चेक कर लिया, ईसीएम लगाकर भी चेक कर लिया, वही दिक्कत आ रही थी। मैंने दूसरा ईसीएम भी लगा के देख लिया, वही दिक्कत आ रही थी। तो जो जिस बंदे के पास मैं गया था, जिसको रेफर किया था मेरे पड़ोसी ने, उसके पास मैं गया, उसने बोला भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी वायरिंग खुलेगी, वायरिंग खुल के इसको बारीकी से चेक करेगा, कहीं ना कहीं वायरिंग का फॉल्ट है इसमें, ठीक है ना। अगर मैंने कहा यार देख, मैं पैसे कितने लगेंगे, कहते हैं 1500 से 2000 के बीच में। मैंने कहा देख, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी चीज़ ठीक होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि तू कर देगा और काम वही चीज़ मेरी रिपीटेड आए। कहता भैया देखो, आपके सामने हूँ, आपको चीज़ ठीक लगे तब आप पैसे देना, अदरवाइज पैसे मत देना, मैं समझूंगा मेरी मेहनत खराब हो। अब बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, अब देखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी पे। तो फिर मतलब मैंने फिर मैंने कहा चल ठीक है यार तू कर। तो फिर उसने करा, मतलब 3 से 4 घंटे दोस्तों लग गए, पूरी तरीके से वायरिंग पूरी उसने खोली, बारीकी से चेक करी, 2-3 वायर शॉर्ट थे दोस्तों, जले हुए थे वायर, और 2-3 जगह से कट लगा हुआ था वायर। तो उसको पूरा उसने रिपेयर किया, 4 से 5 टेप लग गई थी पूरी की पूरी, और मतलब अच्छे से काम किया बंदे ने। और कल फिर शाम ही हो गई थी तकरीबन निकलते, तो कल तो मैं चेक नहीं कर पाया। फिर आज मतलब गाड़ी चलाई है मैंने, और 235 किलोमीटर गाड़ी चल गई दोस्तों। तो सुबह से लेकर अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं गाड़ी में, टचवुड, और आनी भी नहीं चाहिए। तो वही चीज़ें कहने वाली बात कि देखिए, प्रॉब्लम कहाँ से कौन सी थी, और बंदे बता रहे हैं कौन कौन सी दिक्कत। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, कभी भी कोई भी काम कराओ, कोई मेजर इशू है तो 2-3 की सलाह लो, हो सकता है किसी कोई बढ़िया सलाह दे दे, ठीक है ना। अब मैं उससे ईसीएम डलवा लेता, 5000 का ईसीएम डलवा लेता, ऑटोकट सेंसर डलवा लेता, क्या क्या डलवाता, इतना मोटा खर्चा। और फिर भी दोस्तों, खर्चा तो वो ये देखे, जब मैं परसों गया था, परसों स्कैनिंग के 300 रुपये ले लिए बंदे ने, 100 रुपये खुद की ले लिए, 400 रुपये तब लग गए। कल मैंने जो काम कराया सीएनजी का, उसमें 1700 रुपये मैंने दिए, हालांकि 2000 मांग रहा था, 1700 रुपये में मैंने काम कराया पूरी वायरिंग का, 1700 रुपये दिए। और टेप वगैरह मैंने 100 रुपये की टेप मंगा के, मैंने कहा टेप जितनी हो उतनी लगा दे तू, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने अच्छे से लगा दी। तो मतलब तकरीबन मोटा मोटा खर्चा आप मान के चलिए मेरा, उससे पहले भी प्लग वगैरह डाले थे, 3 प्लग डलवाए थे मैंने, तो तकरीबन आप मान के चलिए 3000 तक का मेरा वैसे ही खर्चा हुआ है गाड़ी में। और प्लस मंडे को गया था, मंडे भी ऐसे ही गया, ट्यूजडे थोड़ा काम किया था 1500 तक का, और वेडनेसडे गया था, थोड़ा सा काम वेडनेसडे को हुआ था, उसके बाद फिर थर्सडे कल दिखाया ही था, आज फ्राइडे। तो
तकरीबन 3 दिन दोस्तों मेरे पूरे के पूरे खराब हो गए। तो 3 दिन में नुकसान, 3 दिन का आप सोच के चलिए कम से कम 1500 से नेट अर्निंग बता रहा हूँ, 1500 जो प्रॉफिट आता है, 1545, तो 5000 तक का आप ये 3 दिन का नुकसान मान लीजिए और 3000 का ये नुकसान मान लीजिए, टोटल 8000 का दोस्तों ये लगा लीजिए, 3-4 दिन में अपना नुकसान हो गया है। और देखिए गाड़ी आपको कमा के दे रही है और केयर करनी है तो उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, बट पैसा लगाने के लिए हम रेडी हैं, पर उसके मतलब फॉल्ट एकदम कोई पता कर लेना वो बेटर रहता है। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू बंदा कोई भी कुछ भी बता रहा है, वो चीज़ नहीं करानी दोस्तों। तो इसीलिए सजेशन देखिए, जब तक कोई बीमारी की वो नहीं पकड़ेगा ना तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अब इसकी जो गाड़ी के इशू था, हालांकि मैंने वायरिंग 5-6 महीने पहले भी खुलवाई थी दोस्तों, आपको पता होगा मैंने जहांगीरपुर से खुलवाई थी, तब मेरे फ्यूज उड़ रहे थे गाड़ी के, अब दोबारा खुलवाई है, अभी ये दिक्कत हो रही थी। तो अब तीसरी बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ पूरी की पूरी वायरिंग मारुति के शोरूम से जाकर पूरी वायरिंग इसकी, मतलब 20-22 हज़ार तक का खर्चा मेरे ख्याल से बता रहे हैं, तो जितनी भी होगी पूरी वायरिंग फिर चेंज करवा दूंगा। देखिए गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वैसे ठीक है, बस वायरिंग का इशू है, तो वायरिंग फिर पूरी, क्योंकि गाड़ी दोस्तों पुरानी भी होगी, 8 साल हो जाएंगे मई में, इसी वजह से हर चीज़ की एक वो होती है, सारी चीज़ें चेंज मांगती है, तो टाइम टू टाइम करा दे तो बेटर है। तो इसीलिए मैंने अभी रिपेयर करा ली है अच्छे से, और अभी फिलहाल टचवुड कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई दिक्कत आती है तो उसको पूरी की पूरी फिर चेंज ही करवा दूंगा। तो दोस्तों भी अगर कोई मेजर इशू आता है तो 2-3 जनों को दिखाओ, एक के भरोसे मत रहो, जिसको आप सोचते हैं ना जो बंदा मैकेनिक बहुत बढ़िया है वही आपका मतलब काटने में लगा रहता है, तो इसलिए विश्वास लायक अभी कोई भी नहीं है, अपने सामने सारे काम कराओ, गाड़ी छोड़ के नहीं जानी कहीं भी, छोड़ के जाओगे तो कुछ चीज़ें कहाँ गायब हो जाए आपको पता नहीं चलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना, और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कर लिया दोस्तों, खींच खाच के सुबह निकला था, 9:30 बजे स्टार्ट किया था, और अभी टाइम आपका हो ही गया तकरीबन 10:30 बज चुके हैं, तो 10:30 12 घंटे गए, 12 घंटे में कितना काम किया है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 2400 कुछ रुपए का मेरा काम है, जिसमें 540 रुपए का टोल है, 100 रुपए का स्टेट टैक्स कल आएगा, टोटल 640 रुपए और 2400 यहाँ हो गए, तो 3000 प्लस काम है मेरा, जिसमें से सीएनजी मैंने 200 डलवाई थी, 399 रुपए की सुबह डलवाई थी मैंने, उसके बाद मैंने 482 रुपए की दोबारा डलवाई थी, तो 482 रुपए और 880 रुपए की सीएनजी, और ऑलरेडी इसमें 200 रुपए की पहले की थी, तो 1080 की टोटल सीएनजी थी, जिसमें से मेरे पास अभी कितनी पड़ी है आप मान के चलिए 200 रुपए तक की सीएनजी मेरे पास पड़ी है, तो 200 तक की सीएनजी राउंड फिगर में आप मान के चलिए 800 रुपए की तक की सीएनजी मेरी पूरी की पूरी खर्च हो गई है। 800 की सीएनजी क्यों खर्च हो गई है, क्योंकि एसी चल रहा है, 232 किलोमीटर गाड़ी चली है, एसी बिना एसी के कोई बैठ नहीं रहा, और एसी बैठते ही दोस्तों 4 नंबर तक पे करवाने की कोशिश करते हैं, बट ये तो मेरा ये फैन बहुत बढ़िया चीज है, 2 नंबर पे चलाता हूँ और उसी पे ही होता है। हालांकि देखिए इसमें भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत से ड्राइवरों को लगता है कि 4 पे एसी चलाने पे कंज्यूम होती है, तो इस टॉपिक पे दोस्तों एक मैं स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ और आपके सामने इसका दूध का दूध पानी का पानी करूंगा कि एसी पे कम चलाने पे सीएनजी ज्यादा लगती है, ज्यादा चलाने पे लगती है, तो इस पर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कभी फिलहाल, और इसके साथ किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ ही बात करूंगा मैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों की जो विचारधारा है वो सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और फिलहाल मैंने नेट अर्निंग तो बताई नहीं आपको, 3000 के काम में 800 की सीएनजी हटाएंगे तो 2200 रुपए में से 300 रुपए और निकालेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमानेंट इंश्योरेंस टायर घिस रहे हैं तो बचेंगे 1900 रुपए, 1900 रुपए आज की नेट इनकम है दोस्तों, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई निकालनी पड़ेगी, ड्राइवर हायर किया है तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सारा का सारा आप ही के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए